बागी 3 में गली बॉय के किस एक्टर की हुई है एंट्री। हेलो दोस्तों, बॉलीग्राड स्टूडियो से मैं हूं सानिया सैफी। दोस्तों, टाइगर श्रॉफ की धमाकेदार फिल्म बागी 3 को लेकर इस वक्त एक के बाद एक नई जानकारी सामने आ रही है। बता दें कि टाइगर श्रॉफ की इस फिल्म में अब गली बॉय एक्टर की एंट्री हो गई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रणवीर स्टार गली बॉय में शानदार अभिनय करने वाले एक्टर विजय वर्मा की, जो कि अब टाइगर की इस फिल्म का हिस्सा बनने जा रहे हैं। गली बॉय में उनके अभिनय को काफी सराहा गया था। हाल ही में बागी फिल्म के एक्शन सीन को लेकर भी एक खबर सामने आई थी, जिसमें पता चला था कि इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ करीब 40 से 50 गुंडों से एक साथ लड़ते हुए नजर आने वाले हैं। तो वहीं पूरी फिल्म में करीब 400 गाड़ियां ब्लास्ट करती जाएंगी। इस खबर के सामने आने के बाद ये काफी ज्यादा वायरल हो रही है और टाइगर के फैंस खुश हो रहे हैं। बता दें कि फिल्म का ऐलान तभी हो गया था जब फिल्म बागी 2 रिलीज हुई थी। फिल्म को लेकर टाइगर के फैंस काफी ज्यादा उत्साहित हैं और निश्चित ही फिल्म की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, बागी 3 साउथ की फिल्म वेट्टई की रीमेक होगी, जिसकी कहानी में थोड़ा सा बदलाव किया जाएगा और माना जा रहा है कि बागी 3 पिछली दोनों फिल्मों से ज्यादा कमाल की होगी। इस फिल्म से अभिनेत्री श्रद्धा कपूर बागी फ्रेंचाइजी में वापसी कर रही हैं। बता दें कि वो इससे पिछले पार्ट में नजर नहीं आई थी। दोस्तों, फिल्म बागी 3 से रिलेटेड काफी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पर अवेलेबल है, लेकिन अगर आपका कोई नया सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं नीचे कॉमेंट सेक्शन में। बाकी बॉलीवुड से जुड़ी सभी लेटेस्ट खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए बॉलीग्राड स्टूडियो से। मैं हूं सानिया सैफी, जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, लेकिन तब तक मोहब्बत बरकरार रखिए।